चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी दोस्तों, 56 इंच का सीना दिखाने की भी बात हुई थी, लेकिन दोनों में से कुछ भी दिखाना तो छोड़िए, मोदी जी हाथ मिलाकर आ गए शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़े से सोफे पर बैठाया गया था और पीएम मोदी जी वहां खड़े देखते रहे, क्योंकि उन्हें बैठने के लिए चीन के राष्ट्रपति के सामने एक कुर्सी दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय पहले आयोजित हुआ ब्रिक्स समिट, बेशक देखिए दोस्तों खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन वहां से तस्वीरों का आना, वहां से वीडियोस का सामने आना, अभी भी वो जो सिलसिला है वो थमा नहीं है, लगातार वीडियोस जो है वो सामने आ रही है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, या यूं कह लीजिए वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जी से हाथ मिलाया जा रहा था। वीडियो इस खबर में आपको मैं दिखाऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक वीडियो ने फिर दिखा दिया कि चीन, जिसने हमारी जमीन को हड़पना जारी रखा हुआ है, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे मैं आपको बताऊंगी, जिस चीन के साथ हमारा सीमा विवाद अभी भी जारी है, थमा नहीं है, और कई बातचीत के दौर के बावजूद जो चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उसे पीएम मोदी लाल आंख नहीं दिखा पाए, ये वीडियो में नजर आ रहा है। पहले तो बिना देर के वो वायरल वीडियो दिखा देते हैं, जिसका जिक्र हम शुरू से लेकर अब तक कर रहे हैं दोस्तों। बिना देर के आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए आप। जी, तो पीएम मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हैं, पीएम मोदी भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं, जिनपिंग जाकर बड़े से सोफे पर बैठ जाते हैं, मोदी जी खड़े निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब हम देखिए इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर उस वक्त क्या स्थिति होगी, किस स्थिति में, किस सिचुएशन की वजह से मोदी जी वहाँ इस तरीके से खड़े थे, या उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों थी, ये तो हमें नहीं पता दोस्तों। लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो चीन के सामने मोदी जी की छवि को अच्छा तो नहीं दिखा रहा, और ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष के कई नेता इसको लेकर तंज कस रहे हैं मोदी जी पर, क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपका जो आचरण है डिप्लोमेसी की भाषा में कमजोरी और डर प्रदर्शित कर रहा है। आप हिंदुस्तान जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी गरिमा हम सब 140 करोड़ भारतीयों की शान है, दुखद रूप से आपने हिंदुस्तान की शान के मान में कमजोरी दिखाई है। हालांकि यहां पर देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि पीएम मोदी अगर ये कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ये सच नहीं है। आपको राहुल गांधी का वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों बिना देर के। लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर क्या कुछ कहा, जिस पर तालियां बज उठी थी, ये वीडियो देखिए आप। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है, यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीएम मोदी की बात में, हमारी सरकार की बात में किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है, अगर वो चीन को लेकर बात कर रहे हैं तो। हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों, तो चीन
और भारत के बीच में किस तरीके की बातचीत चल रही है, सीमा विवाद को लेकर चीन का रुख आखिर क्या है, क्या वो पीछे हटने के लिए तैयार है, ये बात टेलीग्राफ ने कई महीने पहले अपने एक आर्टिकल में छापी थी। हालांकि इसी साल की खबर थी, उसमें जो लिखा गया था वो चौंकाने वाला है। आपको बता देते हैं, टेलीग्राफ के लिए ये रिपोर्ट लिखी थी इमरान अहमद सिद्दीकी ने, जो कि 22 मई 2023 को पब्लिश की गई थी टेलीग्राफ में। क्या लिखा गया था सुन लीजिए। सुरक्षा प्रतिष्ठान सूत्रों ने द टेलीग्राफ को यह बताया कि चीनी सेना ने पीछे हटने के पहले शर्त के रूप में रणनीतिक देपसांग मैदानों पर भारत द्वारा दावा की गई रेखाओं के अंदर 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने की मांग की थी कि हम 15 से 20 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाना चाहते हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के खुफिया विंग के एक अधिकारी ने टेलीग्राफ को यह बताया कि चीनी देपसांग मैदानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के तहत भारतीय क्षेत्र के अंदर 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बफर जोन जो है चाइना चाहता है। बातचीत के दौरान भारत ने बेशक मांग को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बजाय भारत ने उसके सामने प्रस्ताव क्या रखा, 3 से 4 किलोमीटर बफर जोन पर सहमति व्यक्त की, लेकिन चीनियों ने हटने से वहां इनकार कर दिया। अब ये हम तो नहीं कह रहे हैं, टेलीग्राफ ने छापा है, गनीमत इस बात की कि आर्टिकल अभी तक डिलीट नहीं करवाया गया है। दोस्तों, इसमें जो लिखा है वो कितना सच है और कितना नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन खबर छाप कर टेलीग्राफ इसकी पुष्टि जरूर कर रहा है। दोस्तों, टेलीग्राफ ने किस बिना पर यह छापा, ये वहां पर जाकर बातचीत की, ये वो जानता होगा। तो ऐसी स्थिति में जब चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे देश के PM साहब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाकर आए हैं। वो सोफे पर बैठे, मोदी जी वहां खड़े रहे, लेकिन आखिर क्यों, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है और लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जो है ये ब्रिक्स सम्मेलन का ही बताया जा रहा है, दावा तो यही किया जा रहा है, लेकिन किस सिचुएशन में ये वीडियो बनाया गया, ये वीडियो पूरा है या कितना कट किया गया है, ये तो हम इस बात का दावा नहीं करते, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके ज़रिए जो जो कहा जा रहा है वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।